बाजीलाल से यह भी कह दीजिएगा कि हम उनके लिए नहीं, लेने लेने आपके कहने पर रुके, आपके कहने पर हमने अपने विचार बदले हैं, लेकिन हम केवल इसलिए यहाँ रुकेंगे क्योंकि हमें लगता है कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। तभी तो हम दोनों इस समय इस लंबे अंधेरे पथ पर साथ साथ चल रहे हैं मित्रों की भांति। आपके कहने पर हमने अपने विचार बदले हैं क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। आपकी बाईजी लाल कहाँ है? आपकी बाईजी क्या महलों में छिपी बैठी है? महलों में छिपी कोई संदेश नहीं आया तो मंगवाइए धमन सिंह जी, इतने सारे आदमी भेजे थे आपने, कुछ तो हुआ होगा वहां पर, कुछ तो किया होगा उन लोगों ने। हम यह संदेश रावत जी के लिए लाए हैं। नहीं नहीं, रावत जी तो नहीं है। वे तो बाहर गए हुए हैं पंडित जी। कुंवर प्रताप के मित्र चक्रपाणी के पिताजी हैं। पता तो लगा ही कर क्या रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, हम इसे रावत जी के हाथों में ही देंगे। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। लगता है राज के शिष्टाचार भूल गए हैं आप। पंडित जी हैं ये, पहले आदर के साथ इन्हें बैठने के लिए कहना चाहिए था और फिर सम्मान सहित जलपान पूछना चाहिए था, और उसकी जगह आप जाइए, चले जाइए यहाँ से। राणा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस रावत जी के लिए संदेश लेकर आए थे, उन्हीं को दे रहा है बस। पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। आपने कब से रावत जी के लिए संदेश लाना जाना आरंभ कर दिया? क्या बात है मित्र, किसे खोज रहे हैं आप? तो आपकी चीजा यहीं पर थी, कहां चली गई अचानक? रक्त बह रहा था उनकी लाट से। रक्त? नहीं तो, चीजा तो पूर्ण रूप से ठीक है, किंतु आपको अवश्य उपचार की आवश्यकता है। देखिए तो कितना रक्त बह रहा है आपकी बाह से। वैद्य जी। नहीं, हमें आवश्यकता नहीं, हम ठीक है। किंतु देखिए तो। हम ठीक है। तो फिर संभाल कर रखिएगा अपने इस घावों को, ये सदैव आपको मीठी मीठी रक्त भरी स्मृतियों की याद दिलाता रहेगा। ये हम अपने निजी अनुभवों से कह रहे हैं मित्र। अच्छा, हम अभी घायलों की स्थिति देखकर आते हैं, चलते हैं। जी। क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? केवल अपने अभियान पर केंद्रित रखें अपना ध्यान। आपके अभियान का अगला चरण है रावत जी से मिलना और उन्हें यहाँ की वर्तमान स्थितियों से अवगत कराना। बताइए ना पंडित जी, कुछ समझ में नहीं आया। आप ठहरे आठों प्रहर कर्म धर्म करने वाले, आपको क्या आवश्यकता पड़ी रावत जी के लिए यह संदेशा लाने की? नहीं महारानी जी, हुआ ये कि हम रावत जी के गाँव गए थे पूजा करवाने के लिए, तो उनके घरवालों ने मुझे ये संदेश दिया, कहा कि निजी है, उन्हीं को देना है। आप कहाँ प्रतीक्षा करेंगे रावत जी की? हमें दे दीजिए संदेशा, हम दे देंगे उन्हें। नहीं नहीं, हम प्रतीक्षा कर लेंगे। परंतु हम आपको प्रतीक्षा करने नहीं देंगे ना, दे दीजिए हमें, दीजिए पंडित जी। ये किंतु फिर
भाई जी ये क्या कर रही हैं आप? रावत जी का संदेश ऐसे नहीं खोलना चाहिए, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। हो सकता है कि इसके अंदर उनके लिए अत्यंत व्यक्तिगत सूचना हो। क्षमा कीजिए राणा जी, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें कोई तुरंत ध्यान देने वाली बात हो सकता है उनका परिवार कोई संकट में हो। नहीं नहीं, कोई संकट नहीं है उनके परिवार पर। या आप कैसे कह सकते हैं पंडित जी, यदि कोई संकट नहीं होता तो वे आपको नहीं चुनते ये संदेश पहुंचाने के लिए। फिर आप तो पंडित जी हैं, कोई गुप्तचर नहीं। मैं गुप्तचर? धीर भाई जी आप ठीक कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि संदेश खोलकर पढ़ना चाहिए तो खोलिए आप संदेश। धन्यवाद राणा जी। लो रावत जी आ गए। प्रणाम रावत जी। प्रणाम पंडित जी। लीजिए संदेश लाए हैं हम आपका, लीजिए। आपके घर से लाए, निजी व्यक्तिगत। यही पढ़ लीजिए ना रावत जी। हम सब चिंतित हैं आपके घर से आए इस अप्रत्याशित संदेश को लेकर, बाकी जैसी आपकी इच्छा। वैसे धीर भाई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में सब कुशल तो हैं। हाँ रावत जी पढ़ लीजिए ना जी। रावत जी। चाय में आगे बिजुलिया का समाचार यह है कि बिजुलिया पर अफगानों के आक्रमण का भयंकर संकट मंडरा रहा है। साथ ही बिजुलिया वासी मेवाड़ से बहुत शीघ्र संबंध विच्छेद करने वाले हैं, जिसे हमें रोकना है। समस्या यह है कि इस समय हम राजमहल में किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वहाँ बिजुलिया के विरुद्ध कोई छिपकर षड्यंत्र चला रहा है। हमारा आपसे तुरंत मिलना बहुत आवश्यक हो गया है। तब तक ये समाचार कृपया आप अपने तक ही सीमित रखें। ताजीराज से भी अभी इस विषय में कुछ ना कहें, क्योंकि उन्हें तुरंत क्रोध आ जाएगा और हमारे लिए ताजीराज को सब कुछ बताने से पहले यह पता लगाना बहुत आवश्यक है कि वो कौन है जो राजमहल में बैठकर षड्यंत्र कर रहा है। रावत जी सब ठीक तो है ना? जी राणा जी, कुछ विशेष नहीं, बस यूं ही कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक बातें। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या इस समय हम यहां से जा सकते हैं? ठीक है जाइए। हणिकम्मा राणा जी, हणिकम्मा राणी साहब।
काबिल जंगजू को बादशाह खान ऐसे पहचान लेता है जैसे एक चालाक शिकारी अपने शिकार को। इसलिए हमारे सामने बेवजह करतबबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। खुद तो अधमना दिख रहा, हमें पैंतरे दिखा रहा। क्या बोला था तुमने? कुछ नहीं हुजूर। कुछ नहीं? बादशाह खान, विश्राम करिए। जल्दी भाग्यवती, पहले हमें ये बताइए कि किसी ने माँ को ये तो नहीं बता दिया ना कि हम अभी अचेत हुए थे? आप चिंता ना करें, हमने कुछ नहीं बताया। धन्यवाद सौभाग्यवती, हमें तो बस यही चिंता खाए जा रही थी कि कहीं अगर माँ को पता चल गया तो वो बेकार चिंतित हो रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु जल्दी आप हमें तो बता दें, अपने कक्ष में धरती पे इस प्रकार आप अचेत पड़ी थी, हुआ क्या था आपको? वो कुछ नहीं, वो युद्ध के वजह से साधारण थकावट होगी बस, और कुछ नहीं। आप जाकर सबको यहाँ बुला लाइए, हमें बहुत से काम करने बाकी हैं। जी आपके सामने इस गुस्ताखी के लिए मुआफी चाहते हैं शहंशाह, पर इसने बदजुबानी से हमारी बेइज्जती की थी। शुक्रिया। तुम आओ। शहंशाह, हम दे क्यों रहे इतनी तवज्जो इसे? आखिर है ही क्या ये, एक बेवकूफ अफगान सरदार? ये कोई मामूली अफगान सरदार नहीं है नासिर, ये मरहूम शम्स खान का बेटा है जो प्रताप से हर कीमत पर अपने वालिद की मौत का बदला चाहता है। आपको कैसे इतनी बातें पता चल गई इसके बारे में शहंशाह? आप तो बस अभी अभी मिले हैं इससे, पर आपका दिया हुआ हुक्म हमें समझ में नहीं आ रहा है शहंशाह, कि हमारे सिपाही अफगानी वेश में राजपूताना क्यों जा रहे हैं? सब समझ में आ जाएगा नासिर।
हनी खम्मा बाऊजी राज। बाऊजीराज लगता है अपनी इस तलवार को मांझने के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं आपको इन दिनों बिचौलिया में। रावत जी यहां की चिंता मत कीजिए, वहां सब कुशल तो है ना। जी बाऊजी राज, किंतु आपने अपने पत्र में जो लिखा था ये बिचौलिया अलग क्यों होना चाहता है मेवाड़ से? कि आज बिचौलिया का बच्चा बच्चा बिचौलिया के प्रति मेवाड़ की उदासीनता से दुखी है। पिछले 6 मास से लगभग हर पखवाड़े भेजा है हमने संदेश, पर आज तक हमें एक भी उत्तर नहीं आया। इसीलिए अब हमारे पास अफगानों से लड़ने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कुछ हमारी भूल और कुछ उनके नेतृत्व के कारण। बिचौलिया का नेतृत्व यानी बलवंत जी? नहीं, बाईजीलाल। ये बाईजीलाल कौन है? बाईजीलाल जिनको बिचौलिया अपना सर्वस्व मानता है, वो अजब देह है। आज बिचौलिया की इस अभूतपूर्व त्याग और बलिदान से हम अपने परीक्षा की घड़ी में यथोचित स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर पाए हैं, और अब समय आ गया है कि बिचौलिया की प्रजा के इस निस्वार्थ त्याग के लिए हम उन्हें वो दे जो वे चाहते हैं, अपना स्वाभिमान, अपनी स्वतंत्रता। हाँ रावत जी, अजब दे ही चाहते हैं कि बिचौलिया मेवाड़ से स्वतंत्र हो जाए। ऐसा होगा नहीं, हम ऐसा होने देंगे नहीं। अब बिचौलिया की प्रजा और वर्षों से उसके मेवाड़ से स्वतंत्रता के इच्छा के बीच कोई नहीं आ सकता। इसके लिए हमने स्रोत तो एकत्रित कर लिए हैं जीजा, अब हमारा अगला पग क्या होगा? बिचौलिया का वार्षिक मेला? हाँ, हमें आशा ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है कि इस बार जिस प्रकार आपने मेले का प्रचार किया है अपने साथियों के साथ, दूर दूर से अश्व विक्रेता और हथियार विक्रेता अवश्य दूसरे व्यापारियों के साथ हमारे मेले का भाग बनेंगे, और फिर हम इनका लाभ उठाते हुए अपनी सेना के लिए सर्वश्रेष्ठ अश्व और हथियार खरीदेंगे, और फिर आप और अश्वपालक सरलता से सेना को सुदृढ़ बना सकते हैं। हम अकेले ही बिना उस अश्वपालक के सेना को सुदृढ़ बना सकते हैं जीजा। पत्ता, आप बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, हम सबको उस अश्वपालक पर भरोसा करना चाहिए। बाऊजीराज आपको क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा? ये भली भांति जानते हुए भी कि अजब देह का कितना सम्मान है बिचौलिया। हम बाईजीलाल के किसी महत्वाकांक्षा को पूरा होने नहीं देंगे। हम चट्टान बनकर बाईजीलाल और बिचौलिया की स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा के बीच आ जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे रावत जी। रावत जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ रावत जी, आज हमारे मन में अजब देख रहे नहीं कोई आस्था है और ना ही कोई विश्वास। और सच कहें तो बरसों पहले जब उन्होंने हमारी रानी माँ को महल से जाने के लिए वश कर दिया था, उस समय जो अनास्था और अविश्वास हमारे मन में उत्पन्न हुई, वो आज हमारे मन में घर कर चुकी है। नहीं बाऊजी राज, एक बात हमें अब भी समझ में नहीं आ रही है कि अजब दे अकेले अपने दम पर भला कैसे एक पूरे प्रांत को राज्य से अलग करने के लिए तैयार कर सकती है। नहीं बाऊजीराज, हो ना हो कुछ ना कुछ भूले हमसे भी। हम मानते हैं रावत जी, हमसे भूल हुई, या मानते हैं, हम मानते हैं कि चित्तौड़ में कोई तो है जो बहुत सफाई से षड्यंत्र रच रहा है, कोई तो है जो बिचौलिया के सभी सहायता पत्रों को हम तक पहुंचने नहीं दे रहा है, कोई तो है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसी को भी अधिकार दे दे अपनी मातृभूमि के टुकड़े करने के। नहीं रावत जी। आजीराज, आप सर्वप्रथम हमें उस षड्यंत्र के बारे में बताइए,
क्योंकि जब से आपने उस षड्यंत्र के बारे में उस पत्र में लिखा है तभी से ये बात हमें परेशान कर रही है। राव जी, घाव देख रहे हैं आप हमारे बांह पे, ये हमारे चित्तौड़ से आए हुए किसी व्यक्ति का दिया हुआ उपहार है। आप क्या कह रहे हैं बाऊजी राज, ना समझ व्यवहार यहाँ बिजौलिया की प्रजा कर रही है हमारे साथ, और आप है कि वहां चित्तौड़ में किसी पे संदेह कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है हम पर पत्ता, बिचौलिया वासियों ने हम पर विश्वास करके अपना सर्वस्व सौंप दिया है हमें, तो फिर हमें सूद समेत उन्हें लौटाना होगा ना। ये सकारात्मक होती परिस्थितियां, ये अश्वपालक का हमारे बीच में आना, इन सबको हमें ईश्वर की ही कृपा समझनी चाहिए। भाईजी लाल, हमें उस अश्वपालक पे अधिक से अधिक विश्वास करना चाहिए ताकि वो हमारी सेना को अधिक सुदृढ़ करे, क्योंकि नेतृत्व के गुण जो उसमें है, क्षमा करे, वो पत्ता में नहीं। इन बूढ़ी आंखों ने आज तक ऐसा शूरवीर योद्धा नहीं देखा। डाकुओं के संग क्या लड़ा वो? आहा, क्या तलवार चलाता है, क्या नेतृत्व के गुण है उसमें। हम तो कहते हैं बाईजीलाल ने उसे सेनापति चुनकर सबसे उत्तम निर्णय लिया है। हमें तो विश्वास होने लगा है कि वो विजयश्री हमें अवश्य दिलवा कर रहेगा। पर्वत सिंह जी, हमारा पत्ता भी किसी से कम नहीं है, दोनों पूरक है एक दूसरे के लिए, है ना माँ? और नहीं तो क्या, इतने वर्षों से पत्ता नहीं तो हम सबका ध्यान रखा है, और देखिए ना अभी भी कितना श्रम कर रहे हैं। हमें अभिमान है पत्ता पर कि कैसे इन्होंने सदा अपनी वीरता से अफगानों को बार बार यहां से खदेड़ दिया। और हमारे मवेशियों को छुड़ाया। बस, बस। बस कीजिए जीजा, मैं आपकी इस प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, बच्चे नहीं है। रावत जी, हमें पूरा संदेह है कि चित्तौड़ में बैठे बैठे कोई षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि अगर बिजोलिया वासियों को पता चल जाता कि हम वास्तव में कौन हैं, तो हम पर बहुत पहले हमला हो चुका होता, क्योंकि राज परिवार के हर सदस्य के प्रति यहां के नागरिकों में क्रोध की भावना है। और इसके अतिरिक्त क्या बाजी राज, यहां सभी वीर हैं और मर्यादावान भी, और पीछे से वार करने की प्रवृत्ति हमने यहां देखी नहीं। बिजोलिया वासी जब भी वार करते हैं सामने से ललकार के वार करते हैं। बाऊजीराज, आपकी इन सारी बातों को सुनने के बाद आपकी सुरक्षा को लेकर हमारी चिंता और बढ़ गई है। ऐसी परिस्थिति में आपको इतने सारे संकटों से घिरा हुआ यहाँ अकेला छोड़कर हम चित्तौड़ वापस नहीं जा सकते। रावत जी, हम अपना ध्यान रख सकते हैं, विश्वास दिलाते हैं आपको कि अब हम यहाँ और सचेत और सजग रहेंगे। ये सब बातें छोड़िए, अभी हमारे सामने एक बड़ा और तात्कालिक संकट है, अफगानों से युद्ध। हमें बिजोलिया को अफगानों से बचाना है और मेवाड़ को अजबते से। भाई जिला, सेना का नेतृत्व करते समय यदि अश्वपालक और पत्ता इन दोनों के अहम का टकराव ना हो जाए, यदि ऐसा हुआ तो अफगानों से हम क्या लड़ेंगे? हम तो आपस में उलझ कर एक तरह से सहायता कर देंगे अफगानों की। ऐसा नहीं होगा पर्वत सिंह जी, वो अश्वपालक बहुत समझदार है, सफल नेतृत्व के सारे गुण भी हैं उनमें, ये छोटी मोटी समस्या है तो वो संभाल लेंगे, और पत्ता को भी संभाल लेंगे वो। अभी हमें बस वार्षिक मेले की ओर ध्यान केंद्रित करना है। जैसा आप उचित समझे, ठीक है, हमें अब लंबी यात्रा पे जाना है, आगे दीजिए। मिलने जाना है, समय के बड़े पक्के हैं, हमें इतना पहुंचना।
प्राणों के संकट आ। पर्वत सिंह जी, किससे मिलने जा रहे हैं आप? तो ठीक है भाऊजी राज, यदि ऐसा है तो हम तत्काल चित्तौड़ से अपनी समस्त मेवाड़ी सेना को लेकर यहाँ आ जाते हैं बिजौलिया वासियों की सुरक्षा के लिए। इससे हमें ये लाभ होगा कि बिजौलिया वासियों के मन में चित्तौड़ वासियों के लिए जो खोया हुआ विश्वास है उसे पुनः जागृत करने में हम सफल होंगे। नहीं रावत जी, कोई भी गलत निर्णय, कोई भी गलत चाल हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। बिजौलिया वासियों का मन जीतने का जो सुनहरा मौका है, ये सुनहरा अवसर जो है, हम सदा के लिए खो देंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें बिजौलिया में रुकना है। दो मोर्चों पे एक साथ लड़ना है, एक अफगानों के विरुद्ध और दूसरा उनके मन को जीतना, उनके विश्वास को अर्जित करना। और हमें पूरा विश्वास है कि हम ये करके रहेंगे। और जी राज, हम यहां क्यों आए? हमने जो स्वर्ण मुद्राएं आपको लाने को कही थी, क्या आप लाए? जी बाबूजी राज, तो आइए हम दोनों व्यापारियों का भेज बना लें, क्योंकि मेवाड़ की प्रतिष्ठा और गौरव की नीलामी जो आज बिजौलिया में हुई है उसे फिर से हस्तगत कर लें। किससे मिलने जा रहे हैं आप? व्यापारियों को तो निमंत्रण दे चुके हैं ना? हाँ, वो हाँ, व्यापारियों को तो निमंत्रण जा चुका है, कुछ व्यक्तिगत कारणों से हमें जाना है, निजी काम। धर्म पत्नी का मामला तो संकट का ही मामला होता है। पर्वत सिंह जी, हम आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। बहुत दिनों से आप व्यस्त दिख रहे हैं हमें। सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। आगे दीजिए, हम चलते हैं। वैसे अजब थे जो विश्वास और सहयोग आप उस अश्वपालक के लिए दिखा रही हैं, उससे पता तो क्या, यदि हम भी होते ना तो ईर्ष्या हो जाती हम। माँ, आप कुछ भी सोचती है। अरे नहीं नहीं, हम तो बस परिहास कर रहे थे। और रही बात पत्ता की, तो हम स्वयं उनके घर जाकर कल उनसे बात करेंगे। हुआ क्या है? तो तुम कह रहे हो कि डाकुओं का एक हथियारमंद दस्ता बिजौलिया वालों और वहां की बाईजी लाल के सोने के जेवरात की नीलामी के वक्त हमला करने आया था, और एक शख्स ने आके उन सबको मार के बिजौलिया वालों की दौलत को लूटने से बचा लिया। हुजूर, मेरे ख्याल से ये वही शख्स है जिसने हमारे फौजियों को अकेले अपने दम पर पीटा था। हुजूर, आपके घाव देखकर लगता है कि गोया शहंशाह अकबर ने कुछ ज्यादा ही कीमत ले ली है हमारे उन फौजी इमदाद के लिए। मंसूर, इस फौजी इमदाद के लिए अगर शहंशाह हमारा एक हाथ भी मांगते तो वो भी हम उनको काट के दे देते। अब ख्वातिनों के मानें यहाँ खड़े खड़े हमारे घावों पे टसुए बहाने के बजाय हमें ये बताओ, हमारा मुखबिर पर्वत दास कहाँ है? हम यहाँ है ईमान, खम्मा घणी, समय पे तो पहुंचे ना। पर्वत दास, हमने तुम्हें जो सोने की अफगानी अशर्फियां दी थी, लगता है वो सारी जाया चली गई। कितना कुछ हो रहा है बिजौलिया में और तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं। और कौन है वो मसीहा जो अचानक नामुदार होके मार पीट कर रहा है? कौन है वो? प्रताप ताप, बीस सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से एक कौड़ी कम नहीं लूंगा।
पता नहीं है सदे, ये अंगूठी हमारे पास कब से? अब से ये अंगूठी आप पहनेंगे। ये लीजिए 20,000 स्वर्ण मुद्राएं। क्या सचमुच इसमें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं? देखिए, हम झूठ नहीं बोलते और ना ही हमें झूठ बोलना आता है। बुरा ना माने तो एक सुझाव दूं आपको। जी कहिए। आप ये व्यापार करना तो छोड़ दीजिए, कोई और काम कर लीजिए। आप 20,000 मुद्राएं एकदम से देने को तैयार हो गए? अरे थोड़ा बहुत तो मोल भाव किया होता। क्षमा कीजिएगा, आपको व्यापार करना तो आता ही नहीं। व्यापार करना आपको नहीं आता जीवन राम जी, अगर आप हमें इन स्वर्ण आभूषणों के लिए दुगना भी मांगते ना तो हम इतनी सरलता से आपको दे देते। अच्छा, ऐसी क्या बात है इस स्वर्ण आभूषणों में? ये हमारे लिए मात्र स्वर्ण आभूषण नहीं है, ये मेवाड़ का गौरव है, अमूल्य है, कोई इनका मोल नहीं लगा सकता। ठीक है भाई, जैसा आपको अच्छा लगे। ये वो चित्तौड़ के राजकुमार नहीं है, ये तो सिर्फ नामी के प्रताप है, साधारण से अश्वपालक है। आप सब विस्मित हो गए ना? हमने भी जब पहली बार नाम सुना था तो हमें भी आश्चर्य हुआ था। आश्चर्य हमें अश्वपालक के नाम से नहीं है, भाईजी लाल ने इतने कम समय में उस पे किए गए अंधविश्वास पे हो रहा है, सेनापति बना दिया उसे। पर आप विश्वास रखिए इस सेवक पर, हम लगे हुए हैं उनकी जड़ें खोदने में, नहीं टिकने देंगे उसे बिजोलिया में। अरे छोड़ो पर्वतदास, कुछ नहीं होगा तुमसे, मैं खुद बिजोलिया पर हमला करने से पहले वहां चलकर वहां का बोयना करूंगा, वहां के हालातों का जायजा लूंगा, उसके बाद शहंशाह अकबर से हासिल फौजी इमदाद से कहर भर पाऊंगा वहां। पर हुजूर, आपका वहां जाना हिफाजती नजरिए से ठीक नहीं होगा। एक सुरक्षित मार्ग है। बिजोलिया में कल वार्षिक मेला होने वाला है, दूर दूर से व्यापारी आने वाले हैं। हमारे विचार से ये एक उत्तम अवसर है आपके पास बिजोलिया में घुसने का। सरलता से उन व्यापारियों में सम्मिलित हो सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भेष बदलने में तो आप इसीलिए तुम्हें पाला है पर्वतदास। कभी कभार ही सही, पर कमाल का मशवरा देते हो तुम। आपको चित्तौड़ वापस लौट जाना चाहिए, आपसे अतिरिक्त आपको और सचेत रहना पड़ेगा, विशेषकर दाजीराज के लिए। उन्हें लेकर हमारे मन में बहुत चिंता हो रही है। दाजीराज, आप राणा जी और चित्तौड़ की चिंता हम पर छोड़ दें, हम है ना इस समय अफगानों के विरुद्ध उस जटिल अभियान के लिए हमारा पूर्ण समर्थन है आपके साथ। दाजीराज, आपको जब भी जो भी आवश्यकता हो हमें मात्र एक संदेश भेज दें, हम सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। सुगंध से तो पता लग रहा है कि हमारे हाथ का भोजन कितना 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 स्वादिष्ट बना है। हमें तो समझ में नहीं आता कि लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि इतना स्वादिष्ट भोजन बनने के बाद भी भोजन पकाने के निरर्थक प्रयासों में लगे रहते हैं। कुछ तो फल होना चाहिए ना श्रम का भी। जीजा, हम अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं आपके महलों के भोजन की।
हाँ हाँ पत्ता, हम जानते कि आप बहुत बड़े हो चुके हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, पर इस भोजन का क्या जो आपकी जीजा स्वयं अपने हाथों से लेकर आई है? और वो इसीलिए लेकर आई है ताकि आप वार्षिक मेले की सुरक्षा पर ध्यान दे सके और बिना श्रम किए अच्छा खाना खा सके, समझे? जीजा पता, हम नहीं चाहते कि अफगान हमारे मेले में चुपकर घुस जाए और हमारी सारी योजनाओं पर पानी फेर दे। और ये काम खाली पेट तो नहीं हो सकता ना, बोलिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए अवश्य आप अच्छा और पेट भर भोजन खाएं। अब हमें क्यों खिला रही है? हम कौन है? जाकर अपने सेनापति को खिलाइए ये भोजन। वैसे है कहाँ ये प्रथा? कल रात को जब हम घर आए थे तब भी वो यहां नहीं थे और अब तो सुबह हो गई, अब भी महाशय का कोई अता पता नहीं। गए कहां होंगे? भाग गए जीजा। देखा, कहा था ना हमने आपसे, आपको तो बड़ा विश्वास था उन पर। अश्वपालक ये करेंगे, अश्वपालक वो करेंगे, क्या किया? अरे वो तो अफगानों के भय से दुम दबाकर भाग गए जीजा, और वो भी युद्ध से पहले। पता, हमें पता है कि वो कहां गए होंगे। जीजा, अब क्या करिए जीजा? तलवार छिप। ये कैसा परिहास है? एक स्त्री के विरुद्ध हथियार चलवा दिया आपने हमसे। हम बस आपकी परीक्षा ले रहे थे, हम देखना चाहते थे कि बाईजीलाल ने जिसे सेनापति नियुक्त किया है अपनी सेना में, वो इस काबिल है भी या नहीं। हमें तो लगता है जब तक अफगान पूरी तरह हमारी सीमाओं से नहीं चले जाते, बाईजीलाल हमारी परीक्षा लेना नहीं छोड़ेंगे। बहुत रक्त बह चुका है आपका, हम लेप भिजवा देंगे, लगा लीजिएगा।
कोई आवश्यकता नहीं। रक्त का चरित्र होता है बहना। होता होगा, परंतु जब बिजौलिया में हमारे लिए कोई रक्त बहाता है तो हमारा कर्तव्य है उसके रक्त को रोकना। सिपाहियों चले मेले में चलते हैं। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, रानी मां, रानी मां, रानी मां, कुंवर जगमाल, 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 कहां से खुलेगा ये कुंवर जगमाल? जगमान, ये आप, किसने ऐसा दुस्साहस किया आपके साथ? बताइए हमें, किसने ऐसा दुस्साहस किया? आप ठीक तो है ना? हम सुरक्षा करने को बुलाते हैं। रानी मां, हमने स्वयं ही अपने साथ ये प्रयोग किया है। हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि अगर हम किसी को काष्ठ पेटी में बंद कर दे तो वो कितनी देर तक जीवित रह सकता है। पता है, इस काष्ठ पेटी में एक छिद्र बन जाए ना तो ठीक रहेगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। रानी मां, हमारी बुद्धि को कुछ नहीं हुआ है, हम तो बस बहुत आगे की सोच रहे हैं। हम बस कम से कम जगह घेरने वाला यातना कक्ष बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये यातना का खेल प्राणघाती हो सकता है कुंवर चकमा, जानते हैं ना? हम बहुत कुछ जानते हैं रानी मां। संभवतः आप ये नहीं जानती कि इस समय रावत जी ताजी राज के कक्ष में हैं। आप जाके उन्हें संभालिए। इसमें एक छिद्र बनाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं रावत जी? चित्तौड़ में कोई षड्यंत्र कर रहा है? कौन है जो हमारे हाथों बेमौत मरना चाहता है, बताइए हमें। राणा जी, हमें अब तक पता तो नहीं चल पाया है कि वो कौन है, किंतु इस बात का पता लगाने के लिए हम अपनी जान तक लड़ा देंगे। किस बात को पता लगाने में जान लगा रहे हैं रावत जी? धीर भाई जी, कुंवर प्रताप ने इनसे कहा है कि कोई है जो चित्तौड़ में हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। कहीं इनको कुंवर प्रताप पे हुए आक्रमण के बारे में पता तो नहीं चल गया? क्षमा कीजिए राणा जी, परंतु हमें ऐसा लगता है कि रावत जी खुलकर सारी बात नहीं बता रहे हैं। रावत जी, हमारा आदेश है कि आप हमें पूरी बात बताएं। राणा जी, एक अपराधी टोली द्वारा आत्मघाती आक्रमण हुआ है बिजोलिया में हमारे बाऊजीराज प्रताप पर। कुंवर प्रताप को कहीं चोट तो नहीं आई? कहीं अधिक लगा तो नहीं है उन्हें? जी नहीं रानी साहब, एकलिंग जी के आशीर्वाद से हमारे बाऊजीराज प्रताप एकदम ठीक है। रावत जी, कौन है जिसने कायराना आक्रमण किया है कुंवर प्रताप पर? पता लगाइए, उसे हमारे सामने लेकर आइए। जी राणा जी। रावत जी, हमने आपके और आपके परिवार के बारे में बहुत कीर्ति सुनी है। बहुत सुना है कि आप मेवाड़ के उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए प्राणपण लगा देते हैं,
पर आज ये सब कुछ देखकर हमें इन सारी गाथाओं पर संदेह होने लगा है। रानी साहब, स्वर ऊंचा उठाने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। रावत जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंवर प्रताप मेवाड़ के उत्तराधिकारी हैं, युवराज हैं वे। ये जानते हुए कि उनके प्राण संकट में हैं, आपने उन्हें बिजोलिया में अकेले छोड़ दिया। तो रानी साहब, रावत जी, हम धीर भाई जी की बात से सहमत हैं। हमें भी ऐसा लगने लगा है कि कुंवर प्रताप को बिचौलिया में अकेला छोड़ हमने बहुत बड़ी भूल की है। राणा जी, बाऊजी राज प्रताप के लिए आपका चिंता करना एकदम उचित है, किंतु बाऊजी राज बिचौलिया में जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए गए हैं उसके लिए। रावत जी, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। हम चाहते हैं कि इसी समय किसी को भेजकर कुंवर प्रताप को वापस चित्तौड़ में बुलाया जाए। बिचौलिया के असंतोष का कारण कोई और भी पता लगा सकता है, उसके लिए हम कुंवर प्रताप के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा यह संदेश अभी इसी समय कुंवर प्रताप तक पहुंचाएं। जी राणा जी। जगदेव, हमने कान्हा जी के लिए नए वस्त्र बनवाए। हमने सोचा कि इस वार्षिक मेले के अवसर पे अपने कान्हा जी भी नए वस्त्र पहन ले। बताइए कैसे दिख। अजबदे, आप इस समय मंदिर में क्या कर रही हैं? कुमकुम, कुमकुम कहाँ पर है? कुमकुम जल में? अश्व है, कैसे कैसे हथियार है, हमें जाना। रुकिए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, थोड़ा तैयार तो हो जाइए। बिजोलिया के वार्षिक मेले में आप सभी का स्वागत है। आइए आइए, स्वागत है, स्वागत है। मवेशियों को बेचने के लिए हमें अलग स्थान नियुक्त किया है। आइए, हम बताते हैं। आइए। आज इस मेले में आपको अपनी सेना के लिए अच्छी से अच्छी जाति वाले प्रशिक्षित अश्व और सही गुणवत्ता वाले धातु के हथियार क्रय करने और ध्यान रहे, ऐसा करते समय आपके आंख और कान दोनों खुले होने चाहिए। याद है ना, ना तो तलवार की धार इतनी तेज कि हमारी इच्छा के बिना ही सामने वाले को काट दे, ना ही इतनी बूथरी आवश्यकता पड़ने पर हमें ही धोखा दे दे। समझ गए? समझ गए? चारों ओर लगे फैल जाए, छल से घुसे हुए किसी भी अवांछित व्यक्ति पर आपकी कड़ी दृष्टि होनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ घुस आया हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे यहाँ नहीं घुसना चाहिए था, आपका ध्यान होना चाहिए, आपकी दृष्टि में होना चाहिए। जाके फैल जाइए, अपने स्थानों पर जाइए, तब तक हम मुख्य द्वार का निरीक्षण करके आते हैं और स्वयं आकर अश्व की जांच करेंगे।
बताइए। हुकुम, इतनी भीड़ भाड़ में हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? बहुत सरल है, जिन्हें हथियार बेचने होंगे वे अपने हथियार आदि का प्रचार करने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे। ग्राहकों के मन को लुभाने के लिए कई प्रकार के कर्तव्य करेंगे और जिन्हें हथियार क्रय करने होंगे वे उन्हें देखेंगे, परखेंगे, उनका मूल भाव करेंगे और जो व्यक्ति चुपचाप शांत इधर उधर तांग झांक कर रहा होगा, संदेहास्पद ढंग से भटक रहा होगा, उस व्यक्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि वो अवांछित हो। हमारे लिए मेले के द्वार खुल चुके हैं और जो व्यक्ति हम पर आक्रमण करना चाहेगा, खुला द्वार अर्थात खुला आमंत्रण, इनकी सुरक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। अब आप सभी चारों ओर फैल जाइए, आंख कान खुले रखिए, सर्वत्र। सुनिए, क्या कह रहे थे आपके सेनापति जी? उन्होंने कहा है कि ऐसे अवांछित व्यक्तियों पर दृष्टि रखिए जो मेले में घुस आते हैं। हाँ, दृष्टि तो हम भी रख रहे हैं आपके सेनापति पर। जी क्या कहा आपने? कुछ नहीं, आप सब जा सकते हैं जी। जाइए। अरे रुको, कौन हो तुम? जी हथियारों का व्यापारी हूँ। यहाँ किस लिए आए हो? जाहिर सी बात है, अपने हथियार बेचने आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? ये कल्लू लोहार। कहाँ से आए हो? जी बूंदी से। इतनी दूर से? अब आपको दूरी से भी शिकायत है श्रीमान? नहीं, मतलब जब दूसरा कोई व्यापारी नहीं आया बूंदी से तो तुम वहां से अकेले ही चले आए। अब आप जान बुझ कर मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। तो क्रोध करके क्या कर लेगा तू हमारा? अब वाकई में जानना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, बता बता, क्या कर लेगा तू हमारा? सिपाही जी, सिपाही जी, हमने भली भांति इनकी जांच कर ली है। ये बूंदी के प्रसिद्ध हथियार निर्माता कल्लू लोहार है, आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। बेचने दीजिए इन्हें इनके हथियार। जो हुकुम पर्वतदास जी, आओ। आइए कल्लू लोहार जी, आइए। वाह पर्वतदास, कहीं कहीं तो तुम भी कमाल के काम आ जाते हो। मतलब उतने फिजूल नहीं हो तुम, और ना ही ये बिजौलिया की रियाया उतनी बेवकूफ नहीं दिखती। कमाल का मेला लगा लिया है और यहाँ चल रहे जबरदस्त कारोबार को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ की फौज बहुत जल्द एक अच्छी खासी मजबूत हथियारबंद फौज में तब्दील हो जाएगी। जी हाँ, वही है वो। मुझे दिख रहा है ना, उसी के नेतृत्व में। तो ये है वो जनाब जिन्होंने अपने कांधे पर बिजौले की तकदीर बदलने का जिम्मा उठा रखा है। इस अश्व के दूध के दांत तक नहीं गए, भला ये
सेना की मेहनत और चुनौतियों के उत्तरदायित्व को कैसे वहन कर पाएगा? इस अश्व की जांच करवाइए। जब से आया है जल ही पीते जा रहा है। भला कोई स्वस्थ अश्व इतना जल पीता है क्या? ये वही वीर है जब पत्ता अफगानी सैनिकों के टुकड़ी के बीच में फंस गया था, तब इसने अकेले उस अफगानी सैनिकों की टुकड़ी को परास्त करके पत्ता की जान बचाई। इस वीरता के कारनामे के बाद अब तो स्थिति यह है कि बिचौलिया के बच्चे बच्चे के मुख पर इसके वीरता के चर्चे हैं। भगवत दास, शायद तुम कुछ भूल रहे हो, तो तुम्हें याद दिलाऊं, उसने जिन सिपाहियों को मारा था सिपाही बादशाह खान के थे। शिवान, इसीलिए हम सारी बातें आपको बता रहे ताकि आपको उसकी वीरता के बारे में पता चले। अब हमारे बाजीलाल को ही देख लीजिए, आज तक ना तो उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति पे विश्वास रखा, ना ही सरलता से किसी की वीरता का लोहा माना है, पर इस पर बाईजी लाल भी पूर्ण विश्वास कर रही है आजकल। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या आला नस्ल का अश्व है। हम इस अश्व की सवारी खुद करेंगे। सीमा, तुम इस अश्व को हमें भेज दो। वाह, क्या तेवर है, क्या गुस्सा है इसका। सीमा, ये क्रोधित नहीं है, एक राशि अश्व है, और कोई नहीं बैठ सकता इस पे। आप मुझे देख लीजिए ना, मैं हूं इसका मालिक, और आज तक मैं स्वयं इस पे नहीं बैठ पाया और ना ही आज तक इसे बेच पाया। कदर इतना बदतमीज क्यों है? क्योंकि इसने आज तक ऐसे सवारी नहीं पाया जो इसके लिए उपयुक्त हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि आज तक तुम्हें ऐसा कोई खरीदार ही नहीं मिला जो इसे खरीदने लायक हो। दरअसल एक निहायती बिगड़ालू अश्व है, एकदम जंगली। नहीं श्रीमान, ऐसा नहीं है, ये एक विशिष्ट अश्व है, ऐसा अश्व जो अपना मालिक स्वयं चुनेगा, हर कोई इसका मालिक नहीं बन सकता, और मैं भी इसे तब तक नहीं बेचूंगा जब तक इसका मुझे कोई असली खरीदार नहीं मिलेगा जो इसके लिए उपयुक्त हो। तुम एक काम करो, तुम अपने इस बिगड़ैलू घोड़े को उस शख्स को बेचने की कोशिश करो, शायद तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। चलो देखते हैं।